इस सीन में हमें यहाँ कोई भी किला नहीं दिखाई देता पर जैसे ही कैमरा पीछे से दिखाता है तब हमें यहाँ एक किला दिखाई देता है इस सीन में जो शमशेरा के पीछे कुराड़ होती है उसका लोहे का हिस्सा ऊपर की तरफ होता है और लकड़ी का हिस्सा नीचे जमीन की तरफ होता है पर जब शमशेरा कुराड़ अपने हाथों से निकाल रहा होता है तब हमें ये लकड़ी वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है और वो लोहे वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है इस सीन में हमें शमशेरा के लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं दिखता पर दूसरे सीन में हमें यहाँ शमशेरा के लेफ्ट साइड में पीर बाबा दिखाई देते हैं यहाँ हम देखते हैं कि ये दो लोग और ये दो लोग इनमें बहुत अंतर होता है पर जब शुद्ध सिंह यहाँ आता है तब हमें यहाँ इन चारों के बीच में जो गैप होता है वो कम हुआ दिखाई देता है इस सीन में शमशेरा का पैर इस अफसर के गले पर होता है पर कैमरा दूर से दिखाने पर हमें शमशेरा का पैर इस अफसर के गले पर नहीं दिखाई देता जब सब खमेरा काजा के किले में आ रहे होते हैं तब हमें सबसे आगे शमशेरा और उसकी पत्नी दिखाई देती है पर दूसरे इस सीन में हमें शमशेरा और उसकी पत्नी सबसे पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है यहाँ ये लोग उबलते हुए पानी को खमेराओं के ऊपर डाल रहे होते हैं पर इनमें से कुछ लोगों ने हाथ में कोई भी कपड़ा लेने के बजाय वैसे ही इस गर्म बर्तन को हाथों से पकड़ा हुआ होता है फिर भी उनके हाथ जले नहीं होते जब ये हवलदार इस औरत को घसीट कर ले जा रहा होता है तब हम यहाँ साइड में बहुत लोग इन दो लाइंस में खड़े हुए दिखाई देते हैं पर जब कैमरा साइड से दिखाते तब हमें यहाँ ना ही कोई लाइन दिखाई देती है और ना ही लोग पर जो कुछ लोग दिखते हैं वो बहुत ही पीछे खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं इस सीन में हमें यहाँ शमशेरा के पिंजरे के लेफ्ट साइड में ये रोशनी दिखाई देती है पर दूसरे इस सीन में हमें वो रोशनी यहाँ राइट साइड में दिखाई देती है इस सीन में हमें शमशेरा के साइड में पीर बाबा भी दिखते हैं पर कैमेरा पीछे से दिखाने पर हमें यहाँ शमशेरा के साइड में पीर बाबा नहीं दिखाई देते यहाँ हमें शमशेरा सिर्फ अकेला ही दिखाई देता है यहाँ शमशेरा की पत्नी के साइड में यह औरत खड़ी हुई होती है पर दूसरे सीन में हमें यहाँ शमशेरा की पत्नी के, के साइड में औरत नहीं बल्कि एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है यहाँ हम देखते हैं कि बल्ली का लेफ्ट वाला जूता आगे से फटा हुआ होता है पर जब बल्ली यहाँ से छलांग लगा रहा होता है तब हमें उसका जूता फटा हुआ नहीं दिखाई देता यहाँ बल्ली इस खंबे से इस झंडे को तोड़ता है और उसका पैराशूट बनाकर वो नीचे कूद जाता है पर जब हम नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ कहीं भी वो खंभा नहीं दिखाई देता जिससे ये झंडा बंधा हुआ था ये आदमी इस दीवार से चिपक कर खड़ा होता है पर जब कैमरा आगे से दिखाते हैं तब हमें यहाँ कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता यहाँ सिर्फ हमें बच्चे ही दिखाई देते हैं यहाँ बल्ली के ऊपर कहीं भी कोई भी रस्सी या दूरी नहीं होती जब ये बच्चे बल्ली के नीचे वाले बैरल को रोकते हैं तब बल्ली उड़ के इन दूरियों पर गिर जाता है जो कि पहले यहाँ थी भी नहीं ये बच्चे बल्ली को ऊपर फेंकते हैं तब यहाँ इस खिड़की में कोई भी नहीं होता और दूसरे सीन में जब कैमरा अंदर से दिखाते हैं तब हमें यहाँ एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो कि पहले वाले सीन में वहाँ नहीं होती इस सीन में यहाँ सिर्फ बल्ली और उसकी परछाई दिखती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बल्ली के इस कपड़े में से बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं बल्ली ने इन्हें कहाँ छुपा के रखा था इसका पता तो लगाना पड़ेगा ये बड़ी अच्छी बात कही आप यहाँ पीर बाबा का एक हाथ उसकी कमर पर होता है और दूसरे हाथ से वो बल्ली को पानी में डुबा रहा होता है उसके अगले ही सीन में हमें पीर बाबा के हाथ में ये मधुमक्खियों से भरा एक बक्सा दिखाई देता है जो कि पहले वाले सीन में उसके हाथ में था भी नहीं इस सीन में हमें यहाँ ये यह दो बैरल दिखते हैं पर दूसरे सीन में हमें ये बैरल नहीं दिखाई देते वो बैरल यहाँ से गायब हो जाते हैं इस सीन में हमें सोना के अलावा कोई नहीं दिखता पर दूसरे सीन में हमें सोना के साथ साथ ये सारे लोग भी स्टेज पर नाचते हुए दिखाई देते हैं यहां इस बंदूक की ट्रिगर भी नहीं पाता। सिर्फ बंदूक को जमीन पर रखता है फिर भी इस बंदूक में से गोली कैसे चलती है ये पता लगाना पड़ेगा। इस सीन में इस हंटर की सिर्फ एक ही दौर हमें दिखाई देती है पर कैमरा जैसे ऊपर से दिखाते हैं तब हमें यह हंटर सर्कुलर शेप में दिखाई देता है यहाँ पीर बाबा इस मशाल के नजदीक ही खड़े होते हैं और दूसरे सीन में हमें इस मशाल और पीर बाबा के बीच में बहुत ही गैप दिखाई देता है इसीन इस में पीर बाबा के साइड में बल्ली की माँ नहीं होती पर दूसरे सीन में में हमें पीर बाबा के साइड की माँ खड़ी हुई दिखाई देती है जब कुएं कुएं में में गिरता है है उसके बाद में से एक लाश मिलती है। पर बल्ली तो जिंदा होता है तो वो लाश किसकी होती है जो पुलिस वालों को कुएं से मिली होती है यहाँ बल्ली के हाथ में कुछ भी नहीं होता पर दूसरे सीन में हमें बल्ली के हाथ में नक्शा दिखाई देता है यही दोनों के भी हाथों में मशाल नहीं होती पर दूसरे सीन में हमें दूध सिंह के हाथ में ये मशाल दिखाई देती है इस सीन में हम देखते हैं कि इस आदमी को शमशेरा की कुराड़ मिली होती है तो वो आराम से बल्ली को दे भी सकता था ना तो फेंकने की क्या जरूरत थी चलो बल्ली ने उसे पकड़ लिया अगर नहीं पकड़ा होता तो इन तीनों में से एक को तो स्वर्ग दिखी जाता इस सीन में इस दरोगा के हाथ में यह हुक्के की पाइप होती है पर जब कैमरा का एंगल चेंज होता है तो हमें उसके हाथ में हुक्के की पाइप नहीं दिखाई देती यहां ये आदमी इस खंबे के साइड में खड़ा होता है पर दूसरे सीन में हमें वो यहां खड़ा हुआ दिखाई देता है यहाँ बल्ली के साइड में घोड़े पर एक आदमी होता है पर दूसरे इस सीन में हमें बल्ली के साइड में कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता इस पुलिस वाले ने इस खटिया को पकड़ा होता है और दूसरे इस सीन में हम देखते हैं कि इस पुलिस वाले का हाथ इस खटिया पर नहीं होता जब बल्ली काजा के थाने में आता है तब वो अकेला ही एक घोड़ा लेकर आता है पर जाते वक्त उसके साथियों के पास घोड़े कैसे आते हैं क्योंकि वे लोग तो पहले से ही वहाँ लोगों के झुंड में ही खड़े थे जब बल्ली अंदर आ रहा होता है तब यहाँ उसके सामने कोई भी नहीं होता सब लोग यहाँ साइड में हो जाते हैं पर जब कैमरा यहाँ से दिखाते हैं तब यहाँ हमें शुद्ध सिंह दिखाई देता है जो पहले वाले सीन में वह नहीं होता यहाँ हमें शुद्ध सिंह के आगे बल्ली दिखाई देता है पर कैमरा आगे से दिखाने पर हमें बल्ली के पीछे शुद्ध सिंह नहीं दिखाई देता इस सीन में हम देखते हैं सोना के हाथ और पैर दोनों रस्सी से इस खटिया को बांध कर रखे होते हैं और दूसरे सीन में बल्ली सोना का एक हाथ खोलता है और उस खुले हुए हाथ से सोना उसका दूसरा हाथ भी खोल लेती है उसके बाद ही बल्ली उस खटिया को जोर से ऊपर उठाता है जिसकी वजह से सोना उस खटिया पर से छलांग लगाती है और आगे की तरफ आती है पर सोना ने तो उसके पैर की रस्सी निकाली ही नहीं थी फिर भी सोना के पैर की रस्सी कैसे छूटी यहादूत सिंह शमशेरा का नाम लिखता है पर उसकी हाइट बहुत ही छोटी होती है और ना ही उसने कोई सीढ़ी ली होती है शमशेरा का नाम लिखने के लिए तो दूध सिंह का हाथ इतने ऊपर तक कैसे पहुंचा क्योंकि जब नाम दिखाते हैं तब तो हमें दिखाई देता है कि शमशेरा का नाम बहुत बड़ा होता है यहाँ बल्ली इस आग में से बाहर निकलता है पर फिर भी उसको कहीं भी आग नहीं लगी होती इस सीन में हम देखते हैं कि दूध सिंह के गले में बंधी ये घंटिया राइट साइड में होती है पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हमें ये घंटिया लेफ्ट साइड में दिखाई देती है ये आदमी दूध सिंह के राइट साइड में खड़ा होता है पर जब कैमरा ऊपर से दिखाते हैं तब हमें यहाँ वो आदमी दूध सिंह के एग्जैक्ट पीछे ही खड़ा हुआ दिखाई देता है यहाँ ये सारे गधे बल्ली के आगे से जा रहे होते हैं बल्ली के पीछे एक भी गधा नहीं होता पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हमें बल्ली के पीछे से भी ये गधे जाते हुए दिखाई देते हैं जो कि पहले वाले सीन में आगे से जा रहे होते हैं यहाँ इस पहाड़ पर सिर्फ बल्ली ही बैठा हुआ होता है पर जब कैमरा आगे से दिखाते हैं तब हमें बल्ली के साथ साथ यहाँ सोना भी बैठी हुई दिखाई देती है यहाँ हमें सिर्फ बल्ली की माँ ही दिखाई देती है पर जैसे कैमरा का एंगल चेंज होता है तो हमें बल्ली की माँ के साथ साथ पीर बाबा भी यहाँ दिखाई देते हैं इस सीन में यह ट्रेन करीब करीब सौ डेढ़ की स्पीड में से जा रही होती है और साइड में बल्ली का यह घोड़ा भी उसी तेजी से दौड़ता हुआ हमें दिखाई देता है ये घोड़ा तो आठवा अजूबा लगता है जो सौ डेढ़ की स्पीड में से दौड़ रहा है बम से पूरा रेलवे का एक डिब्बा जल जाता है और उड़ भी जाता है पर इस सबके बावजूद भी बल्ली को कुछ नहीं हुआ होता और आयरन मैन की तरह बल्ली सेफ लैंडिंग भी करता है जहा रानी का मुकुट रखा होता है उस डिब्बे में यहाँ हमें कहीं भी यूनियन जैक नहीं दिखाई देता पर दूसरे सीन में हम यहाँ यूनियन जैक दिखाई देता है और उसके सहारे ही बल्ली रेलवे में से जंप करता है अपने घोड़े पर उसी सीन में हमें इस खिड़की के बाहर बल्ली का घोड़ा दिखाई नहीं देता पर दूसरे सीन में जब कैमरा बाहर से दिखाते हैं तब हमें यहाँ बल्ली का घोड़ा रेलवे के साथ साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है इस सीन में फ्रेडी के साइड में ये दो लोग भी होते हैं पर जैसे ही कैमरा नजदीक से दिखाते हैं तब हमें यहाँ अकेला फ्रेडी ही दिखाई देता है उसके साइड में दो लोग नहीं दिखाई देते इस सीन में हम देखते हैं कि जब फ्रेडी को गोली लगती है तो वो घोड़े पर से नीचे गिरता है और उसकी कैप भी वहीं फ्रेडी के साइड में नीचे जमीन पर गिर जाती है पर दूसरे सीन में जब शुद्ध सिंह यहाँ आकर खड़ा होता है तब तो हमें फ्रेडी की कैप उसके साइड में कहीं भी नहीं दिखाई देती ये लाश बल्ली के कमर के पास होती है पर बल्ली के हाथ के पास कोई भी लाश नहीं होती पर दूसरे सीन में बल्ली के हाथ के पास ये लाश हमें पड़ी हुई दिखाई देती है जो कि पहले वाले सीन में वह होती ही नहीं यहाँ फ्रेडी के आगे बहुत सारी तलवारें और चेंस पड़ी हुई हमें दिखाई देती है पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हम फ्रेडी के आगे सिर्फ एक ही तलवार गिरी हुई दिखाई देती है और वहां कहीं भी चेंज नहीं दिखाई देती तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यारो ऐसे ही मूवीज की मिस्टेक्स देखने के लिए